गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी और सैटरडे फन वीडियो के इस एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं देसी वर्सेस फिरंगी। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल होने वाला है। सुबह सुबह का टाइम है, घड़ी में बज रहे हैं 9। ब्रेकफास्ट मंगवाया है देसी ब्रांड से और विदेशी ब्रांड से, और देखेंगे दोनों में क्या फर्क है। तो पहले विदेशी खोलते हैं। इसमें से बिल्कुल एक नंबर की देसी खुशबू आ रही है। कांट बिलीव ये मैकडॉनल्ड्स ने नाश्ता बनाया है। ये मैक कैफे की कॉफी, ये एवरीडे वैल्यू मील, और ये एक और चीज जो मेरे हिसाब से आज से पहले तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये रिसेंट ही कुछ टाइम में मैकडॉनल्ड्स पे आई है। तो ये तीन चीजें हमारे ब्रेकफास्ट में है। सबसे पहले इस कॉफी से शुरुआत करते हैं। मुझे विदेशी खाने से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे महंगी महंगी कॉफी पीने में भी कोई तकलीफ नहीं है, पर जब मुझे लगता ना कि मैं लूटा जा रहा हूँ तो मुझे दुख होता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये है एक कैपेचिनो का प्राइस और ये है एक अमेरिकानो का प्राइस। अब जिन लोगों को नहीं पता अमेरिकानो क्या होती है, वो काली कॉफी होती है, मतलब उसमें दूध नहीं होता। मतलब यहाँ पे मेरे से दूध हटाने के लिए इन्होंने 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए, 23 रुपीज एक्स्ट्रा, 23 रुपए। इतने में एक पेरी पेरी सैशे आ जाता है। हाँ जी, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। मैक कैफे की पैकेजिंग हो रखी है। भाई 23 रुपए एक्स्ट्रा लेके कॉफी गिरा दी, मूड खराब हो गया सारा। इतनी बुरी भी नहीं गिरी, बट 23 रुपए में से 10 रुपए की तो कॉफी गिरी गई। टाइम टू टेस्ट, क्या ये गरम है? कॉफी चीयर्स। वाओ, कॉफी गरम है और कॉफी डीसेंट भी है। मैकडॉनल्ड्स है और क्या एक्सपेक्ट करते हो। कॉफी तो आ गई हमारी, अब बाकी मेन सामान चेक करते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी मैकडॉनल्ड्स नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है। भाई ये मैक मफिन जो है इज आई फील प्योरली इंडिया का प्रोडक्ट। साथ में मैंने पैनकेक्स भी मंगवाया। ये एवरीडे कॉम्बो था जिसके अंदर आई स्वेयर ये ऐसे ही आया है। बड़ा मरा मरा सा लग रहा है। हैश ब्राउन, व्हाई आर यू सो सैड ब्रो? क्या भाई ये इसलिए उदास है कि आपने अभी तक वेजी पाजी को सब्सक्राइब नहीं करा? भाई पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया खाना दिखाते हैं डेली। हाँ जी, चलो सब्सक्राइब करो, पहले कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक पैकेट खोलना बाकी रह गया था। दो छोटे छोटे से पैनकेक्स मिले हैं, वेरी नाइस। मतलब नेवर एक्सपेक्टेड मैकडॉनल्ड्स के पैनकेक्स देखने को मिलेंगे, वेरी नाइस। मतलब बाहर तो बहुत कॉमन है, बट दिल्ली के मेन्यू में आई थिंक पिछले एक साल में ही एड ऑन हुए हैं। एंड दिस ब्रेकफास्ट स्पेशल, इसके अंदर एक है वेज मैक मफिन और एक है वो क्या है इसका, वो थोड़ा शाही वाला होता है जिसमें थोड़ी टमाटर टमाटर डाल देते हैं। ओ भाई, कतई जॉनी हॉट डॉग की याद दिला रहा है इंदौर में। ओ भाई लिटरली, एडिटर एक जॉनी हॉट डॉग की फोटो लगा दो ताकि सबको पता चले कैसा होता वो। और एडिटर, जॉनी हॉट डॉग वर्सेस मैक मफिन। अच्छा, बहुत साल पहले ना मैं जब 12th के पेपर क्लियर करे थे तो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना कॉलेजेस के लिए, मेरा सेंटर पड़ा था ईस्ट दिल्ली में, तो वहाँ पे बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स था सामने। और मुझे स्पेसिफिकली याद है कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट के नाम पे वेजिटेरियन खाने में सिर्फ एक हैश ब्राउन मिलता था। आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट थिंग्स हैव चेंज्ड। अब हमें मिल रहा है टमाटर वाला बर्गर जिसको ये लोग बोल रहे हैं वेज मैक मफिन, और ये दूसरा वाला, ये इनका सिंपल वाला वेज मैक मफिन है। ये ऐसे सब्जियों की पैटी, भाई बिल्कुल जॉनी हॉट डॉग की फीलिंग दे रही है। बिल्कुल खुशबू अच्छी आ रही है। पहले इसके प्राइस बता देता हूँ। ये पैनकेक मुझे 115 रुपए के 2 पीस पड़े, जो मेरे हिसाब से मैकडॉनल्ड्स के नाश्ते के हिसाब से भाई ठीक प्राइस है। ये ईवीएम मील है जिसके अंदर एक मैक पफ और एक वेज मैक मफिन अमेरिकानो है। ये 215 रुपए का, इसके अंदर 23 रुपए की मैंने कॉफी अमेरिकानो ऐड कराई है। अगर नॉर्मल कॉफी लेता 215 रुपए की, विच इज रीजनेबल। वेज सुप्रीम मैक मफिन जो है ये जिसमें टमाटर टमाटर डाल रखे हैं, 102 रुपए है और पैकिंग चार्जेस ये सब। टोटल मेरा बिल आया है 515 रुपए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 चीजों के हिसाब से 515 मैकडॉनल्ड्स जैसी जगह के हिसाब से ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेज मैक मफिन से। कभी कभार मुझे लगता है कि मैं अच्छा ही काम करता हूं ये खाना रिव्यू करने के। आप कभी गलती से इसको ऑर्डर ना कर लेना, वेज मैक मफिन। मेरे सब्जेक्टिव ओपिनियन में ये बहुत ही एवरेज है भाई। इसकी जो बर्गर का बन जो भी कह लो, बहुत ज़्यादा ड्राई है
और ये जो पैटी है ना, इसकी कोई थिकनेस ही नहीं है, मतलब कोई फ्लेवर ही नहीं आ रहा. कट दिस, सो ड्राई. मतलब लिटरली 10 रुपए का तो नहीं दे रहे ना, मतलब टूट ही नहीं रही, बिखर ही नहीं रही. क्या है ये मैकडोनल्ड्स? वेरी डिसअपॉइंटिंग. डू नॉट ट्राई. बहुत रेयर मेरा मूड खराब होता है खाना खा के. ये हो गया. सरप्राइजिंगली मैकडोनल्ड्स की कॉफी अच्छी है, अमेरिकानो. मुझे ब्लैक कॉफी पीने का बहुत शौक है, अच्छी लग रही है. मतलब कंपैरेटिव टू अदर ब्लैक कॉफीज जो मिलती है रोहिणी में, दिल्ली में, उन सब के कंपैरिजन में दिस इज अ वेरी डिसेंट अबव एवरेज पास. भाई आई एम तो ओनली वंडरिंग कि अभी तो एक खाया, अभी एक और मैक मफिन खाना है. चलो हैश ब्राउन खाते हैं. मुझे मैकडोनल्ड्स का हैश ब्राउन इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. हैश ब्राउन भी टेस्टी है, बट पता नहीं या तो पहले ज़्यादा अच्छा लगता था या फिर वो इतनी बेकार चीज़ खा ली है. आई से हैश ब्राउन इज अ गुड पास. कभी ट्राई करना मैकडोनल्ड्स का, अगर ट्राई नहीं करा हैश ब्राउन तो मज़ा आएगा. चलो भाई फाइनली सुप्रीम मैक मफिन. भाई तेरे टमाटर और सब्जियों से पता चले ड्राई ना लगे बस. अच्छा, वेरी नाइस. देखो इसके अंदर आप ना देखोगे भी ना तो आपको एक डिस्टिंक्शन दिखेगी पैटी और ब्रेड के बीच में ना, और टमाटर का जो पीस है ना उससे एक अलग टेक्सचर भी आएगा. और देखो पैटी का साइज भी, यू कैन सी पैटी की थिकनेस है. आपको ये ट्राई करना चाहिए, एक अलग फ्लेवर है और ऐसा फ्लेवर मैंने फास्ट फूड में अभी तक नहीं खाया. गुड वर्क मैकडोनल्ड्स. बट ये फ्लेवर ऐसा है, बहुत हिट और मिस है. या तो आपको बहुत पसंद आएगा या आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा. बट इसको एक बार ट्राई करना बनता है, वो मत ट्राई करना. मूविंग ऑन, ये रहे हमारे पैनकेक्स. इसमें डालते हैं मेपल सिरप. कैसे खुलेगा ये? खुल गया. भाई साहब, लुक एट दैट ब्यूटी. लेट्स हैव अ बाइट ऑफ इट. वेरी नाइस. मैकडोनल्ड्स के सारे ब्रेकफास्ट मेन्यू में सबसे बढ़िया चीज थी ये मेपल सिरप वाला पैनकेक, जिसको ये हॉटकेक बोल रहे हैं. प्राइस भी ठीक है यार, 115 रुपये का है. टैक्स लग के आई थिंक 120 रुपये का पड़ेगा, 60 रुपये का एक. मैकडोनल्ड्स के हिसाब से ठीक है. अच्छा, मैकडोनल्ड्स का वर्डिक्ट, हैश ब्राउन पास, खा सकते हो. नॉर्मल वाला मैक मफिन सुपर 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 डुपर फेल. सुप्रीम वाला मैक मफिन है पास, ये पास, कॉफी पास, ओवरऑल मैकडोनल्ड्स का ब्रेकफास्ट पास. 500 रुपये में मैकडोनल्ड्स के हिसाब से डिसेंट है. ये तो था विदेशी खाना. अब देसी खाना लेके आते हैं, देखते हैं देसी लोग नाश्ते में क्या खाते हैं. हाँ जी, नॉर्थ इंडियन खाने में, देसी खाने में, नाश्ते में खाए जा रहे हैं जी हल्दीराम से छोले भटूरे, आलू के पराठे और चीजें. देखते रहो, मजा आएगा. आप बताओ भाई, आपको क्या दोनों में से ज्यादा बढ़िया लगता है, देसी नाश्ता या विदेशी नाश्ता? सच्ची बात बताओ ना, महंगा तो हल्दीराम से भी हो गया. आलू पराठे, पूरी सब्जी हलवा और छोले भटूरे मंगवाए हैं. 578 रुपीज का बिल आया है, 190 रुपये के छोले भटूरे हो गए. बट यार देखते हैं मन भरता है कि नहीं भरता. ये आलू पराठा लग रहा है, छोटी छोटी सी डिब्बियाँ इतनी सारी दे देते हैं ना, ऊपर से ये वाली पैकेजिंग मुझे जमा ही नहीं पसंद, बड़ा डर लगता है. साथ में 2 अचार दिए हैं और 2 चम्मच दिए हैं. ओके, अरे हल्दीराम ने अपने चम्मच अपग्रेड कर दिया. पहले ना इनके जो चम्मच होते थे ना वो ऐसे होते थे कि मतलब उठाया ही नहीं जाता था सामान. अब एटलीस्ट गहराई होगी है चम्मच में. आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं है. चम्मच की गहराई बहुत जरूरी है जिंदगी में. सोच में, बैंक बैलेंस में गहराई होना हो, चम्मच में गहराई जरूर होनी चाहिए. माय बॉय हल्दीराम. पहले मैंने सोचा कि ना अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें मंगवाते हैं. पंडित जी से पराठे मंगवाते हैं, नागोड़ी हलवे वाली जगह से शाम से वो मंगवाते हैं, फिर छोले भटूरे गोपाल जी से मंगवाते हैं. मैंने सोचा कोई नहीं, एक ही जगह से सब मंगवाते हैं. मैंने सोचा चलो हल्दीराम्स इस बार ट्राई करते हैं दोबारा. पीछे हल्दीराम्स और बीकानेर वाला का पूरा कंपेरिजन करा था, वो वीडियो नहीं देखी होगी तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही होगी. देखो फटाक फोटो, देखो एडिटिंग के जलवे, वो वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा, मजा आएगा. भाई इनका पराठा लग रहा है, मतलब मैं इनके पराठे पे पिघल गया. वैसे मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ पर यहाँ मैं पिघल गया. भाई क्या पराठा है, अगर धरती पे कहीं पे खुशी है तो वो हल्दीराम के पराठे पे. ज्यादा हो गया ना, मुझे भी लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया. क्या कभी कभार ना थोड़ा चीजों को ना स्पाइस अप करना चाहिए, एग्जैजरेट करना चाहिए. अच्छा भटूरे देखते हैं, भटूरे इनके जेन्युइन में अच्छे होते हैं. पूड़ी निकली है, पूड़ी भी अच्छी लग रही है. 1, 2, 3 एंड 4. भाई तेल या देसी घी जो भी है ना,
सामान में ऐसे रज रज के तैर रहा है ना, जैसे फुल पैसे वसूली कराने हैं। भटूरे मुझे क्यों ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है कि पिचक चुके हैं। हो गई जी। एक जमाना होता था जब हल्दीराम बनाता था भटूरे। सॉरी भटूरे जबरदस्त। दिवाली की शॉपिंग करते थे, मैं और भाई जाते थे, मिठाइयां लेते थे। थोड़े बड़े हो गए, मम्मी पापा ने सोचा कि हाँ बच्चे बड़े हो गए, हम जाके अपने आप से जाके मिठाइयां लेके आए। तो वापस जब घर आते थे तो मम्मी पापा के लिए भटूरे लेके आते थे, और हमारी दिवाली का अभी भी मतलब लंच होता, बट तब वो फीलिंग होती थी हल्दीराम से छोले भटूरे ला रहा। और अब देखो ये क्या, ये क्या है? ऐसा नहीं है कि डिलीवरी में ऐसा हाल हुआ है, पूरी इनकी अभी भी इंटैक्ट है। और भटूरे में भी सूजी डालते हैं, पूरी में भी सूजी डालते हैं। नॉट गुड हल्दीराम। अब दिस इज व्हाट इट इज। 190 रुपए में ऐसे दो भटूरे मिलते हैं, साथ में मिलते हैं ये छोले जो देखने में सही लग रहे हैं, साथ में वही अचार प्याज। 124 रुपए में आलू पराठा मिलता है, एकदम जबरदस्त जबरदस्त। साथ में दही मिलता है, नाइस वेरी नाइस, तंदूरी आलू पराठा है वो भी। और 190 रुपए में ही चार पूड़ियां मिलती है, फूली फूली, वेरी नाइस, अच्छी लग रही है देखने में, जेन्युइन में अच्छी लग रही है देखने में। साथ में मिलता है सूजी का हलवा, आलू की सब्जी जिसके अंदर आलू ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अभी तो तेल की तरी दिख रही है, और एक मिर्ची का अचार, एंड हमें आलू भी दिख गया, वेरी नाइस। सारा खाना लग चुका है, टाइम फॉर टेस्ट टेस्ट। सबसे पहले सबसे बढ़िया चीज पे आलू पराठे पे अटैक करते हैं विद दही। बात है भाई, हल्दीराम का आलू पराठा मुझे जेन्युइन में टेस्टी बहुत लगता है, अच्छा होता है। अब बारी है छोले भटूरे की। भटूरा चलो जैसा भी है तो भटूरा ही, और हम है तो दिल्ली वाले ही। भटूरे के लिए इज्जत कभी कम नहीं होनी चाहिए, दिल्ली वाले के लिए। देखो हर जगह का बायस होता है, मुंबई वालों का वड़ा पाव का होता है, हमारे छोले भटूरे। छोले अच्छे हैं, भटूरे सही है। कभी कभार भटूरे बहुत क्रिस्पी आते हैं तो बहुत छीड़े हो जाते हैं, तो उससे तो सही है कि मतलब थोड़े बैठे हुए हैं बट चबाए जा रहे हैं, बट वो पुरानी वाली बात ना, वो अलग ही थी। आई वुड से भटूरे स्टिल अभी एवरेज ओनली, पराठा बस फुल पास। अब बारी है पूड़ी आलू और हलवे की। अच्छा पूड़ी में ना पिट्ठी डाल रखी है, बेड़मी पूड़ी टाइप सा बना रखा है। आलू देखते हैं ग्रेवी में कहीं तो आलू टूटता है तो। खट्टे आलू हैं, टिपिकल जो रेस्टोरेंट में महंगा वाला बफे मिलता है ना वैसे वाले आलू है। और पूड़ी और हलवे की एक बाइट तोड़ते हैं। ये बढ़िया, आज आलू भी सही लग रहे हैं, थोड़े खट्टे आलू बढ़िया। छोले भटूरे को छोड़ के बाकी दोनों चीजें फुल पास है, बाकी प्राइसिंग है 190 रुपए की। अब आप ब्रेकफास्ट मेन्यू में जाते हो तो यही चीजें 120 रुपए की पड़ती है, 120 रुपए में हल्दीराम जैसी जगह पे सही है। 190 रुपए का आई फील इज अ लिटिल ओवर प्राइस्ड, पर ठीक है। तो ये था दोस्तों देसी वर्सेस विदेशी नाश्ता, आपको कैसा लगा हो कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वेजी पाजी को फॉलो करना। अगली वीडियो में मिलते हैं, सैटरडे फन वीडियो के ऐसी बढ़िया बढ़िया खाने आते रहते हैं। अभी दिखा रहे हैं रायपुर की सीरीज, कल आएगा उसका एक और एपिसोड। बाय बाय।